तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिटी गाउंटलेट कॉमिक सीरीज के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज का पांचवा और फाइनल पार्ट है और इससे पहले हम इस कॉमिक सीरीज के चार पार्ट्स को अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल में जाकर उन चारों पार्ट्स को देख लीजिए, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको इस पूरी कॉमिक की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने इसके पहले चारों पार्ट्स देख रखे हैं तो फिर आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चैनल पर कहीं से भी नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। लाइक और कमेंट जरूर से जरूर करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम उस रिस्पॉन्स को देखते हुए एक और नई कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जो कॉमिक सीरीज मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर के ऊपर होगी। तो अगर आप सभी को मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर वाली कॉमिक चाहिए तो आप सब इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स जरूर लाएं, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि हम भी उस कॉमिक को आप सबके लिए जल्द से जल्द ला सकें। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉमिक सीरीज के अंदर अब तक आपने देखा, मिस्ट्रेस डेथ अपनी पावर्स को यूज करते हुए थैनोस को एक बार फिर से जिंदा कर देती है, और वो थैनोस के सामने अपनी ये विश रखती है कि थैनोस उसके लिए आधे यूनिवर्स को ही जान से मार दे। जिसके बाद मिस्ट्रेस डेथ की विश को पूरा करने के लिए थैनोस एक एक करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करता है और फिर वो एक ही स्नैप में आधे यूनिवर्स को जान से मार देता है। ये सब देखकर एडम वॉर्लॉक और सिल्वर सर्फर अर्थ के सारे बचे हुए सुपर हीरोज को इकट्ठा करते हैं और उन सभी को थैनोस को रोकने के लिए भेजते हैं, और दूसरी तरफ एडम वॉर्लॉक और सिल्वर सर्फर खुद यूनिवर्स के सारे कॉस्मिक के पास भी जाते हैं और उन्हें भी थैनोस को रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही अर्थ के सारे सुपर हीरोज थैनोस को रोकने जाते हैं, तब थैनोस अकेले ही उन सबको हरा देता है, और फिर आगे चलकर जब कॉस्मिक एंटिटीज भी उसके आगे आते हैं तब थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को यूज करते हुए यूनिवर्स के सारे कॉस्मिक एंटिटीज को भी हरा देता है, और फिर आखिर में जब इटर्निटी थैनोस को रोकने आते हैं तब थैनोस इटर्निटी से लड़कर खुद इटर्निटी की जगह ले लेता है और पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर मिला लेता है। अब आगे इटर्निटी की जगह लेने के बाद थैनोस अब सबसे पावरफुल बन चुका था, और इसीलिए थैनोस को देखकर वॉचर ईरोस नेबुला और टेरेक्सिया से कहता है कि अब थैनोस हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, क्योंकि अब वो इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और इसीलिए अब थैनोस को रोका नहीं जा सकता। वहीं पर टेरेक्सिया थैनोस से जोर से चिल्लाकर पूछती है कि तुमने अपनी बॉडी छोड़ दी है, अब तुम्हारी बॉडी का क्या होगा। पर इस बात का जवाब देते हुए थैनोस टेरेक्सिया को बताता है कि अब वो इतना पावरफुल बन चुका है कि उसे अपनी बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। थैनोस की कॉन्शियसनेस अपनी बॉडी छोड़ चुकी थी, और इसीलिए अब थैनोस की बॉडी एक मरे हुए लाश से बढ़कर और कुछ भी नहीं थी। पर थैनोस की इस बात को सुनकर नेबुला के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो अपने आइडिया को पूरा करने के लिए सीधे थैनोस की बॉडी के पास जाती है और उसकी बेजान बॉडी के हाथ से इन्फिनिटी गाउंटलेट को बाहर निकाल लेती है। और फिर इसके अगले पल नेबुला उस इन्फिनिटी गाउंटलेट को अपने हाथ में पहन लेती है, और फिर जैसे ही नेबुला इन्फिनिटी गाउंटलेट को पहनती है वैसे ही वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, और वो अपने अंदर इस नई ताकत को फील करती है। इन्फिनिटी गाउंटलेट की वजह से नेबुला अब थैनोस जितनी पावरफुल हो चुकी थी, और जो थैनोस जो कि पहले इटर्निटी की जगह ले चुका था वो अपने हाथ से इन्फिनिटी स्टोन्स के जाते ही पहले की तरह पावरलेस हो जाता है, और फिर इसीलिए उसकी कॉन्शियसनेस इटर्निटी को छोड़कर एक बार फिर से अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है और वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। और तब वो देखता है कि उसके सामने नेबुला खड़ी है जिसके हाथ में उसका इन्फिनिटी गाउंटलेट है। अपने सामने थैनोस को देखकर नेबुला उससे कहती है, तुमने अब तक मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया है और मैं अब तक वो सारे जुल्म सहती रही क्योंकि मैं तुम्हारे जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन अब खेल बदल चुका है क्योंकि अब तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। इधर एडम वॉर्लॉक और सिल्वर सर्फर जो कि रियलिटी के शैटर होने की वजह से थैनोस से बहुत दूर चले गए थे, वो अर्थ पर आकर सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं, और स्पेस के अंदर अब तक जो भी हुआ है वो दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि जिन इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस ने इतने महीनों तक हासिल किया था वो इन्फिनिटी स्टोन्स अब उससे नेबुला ने छीन लिए हैं, और इसीलिए जो पावर्स अब तक थैनोस के पास थी वो पावर्स अब नेबुला के पास है। इसके बाद एडम वॉर्लॉक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आपको मेरे लिए एक काम करना होगा, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि थैनोस टेरेक्सिया के साथ स्पेस के अंदर है और थैनोस की आंखों के सामने उसकी लव इंटरेस्ट टेरेक्सिया मरती जा रही है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि टेरेक्सिया को थैनोस ने क्रिएट किया था, और क्रिएट करते टाइम थैनोस ने उसे स्पेस के अंदर सांस लेने लायक नहीं बनाया था, जिस वजह से स्पेस के अंदर अब टेरेक्सिया सांस नहीं ले पा रही है और धीरे धीरे करके उसकी मौत हो रही है। टेरेक्सिया को अपने सामने मरता देखकर थैनोस ये सोचता है कि टेरेक्सिया की जान उसकी वजह से जा रही है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और दुखी होते हुए ये सोचता है कि अब तक जो भी उसने गलत काम किए हैं ये सब उसी की सजा है। पर थैनोस ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके नीचे एक पोर्टल खुलता है,
और थैनोस उस पोर्टल के अंदर गिरते हुए सीधा सेंटम सेंटोरम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज, एडम वॉर्लॉक और सिल्वर सर्फर के सामने आ जाता है। वहां पर आते ही सिल्वर सर्फर थैनोस के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से थैनोस और सिल्वर सर्फर के बीच लड़ाई होने लगती है। पर वो देखकर एडम वॉर्लॉक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि उन दोनों को इस लड़ाई को रोकना होगा, और फिर इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर एक और पोर्टल खोलते हैं जिसके जरिए वहां पर हल्क, ड्रैक्स, थॉर, डॉक्टर डूम और फायर लॉर्ड वहां पर आते हैं, और फिर वहां आकर वो सब थैनोस और सिल्वर सर्फर की लड़ाई छुड़वाते हैं, और फिर वो सब एक साथ मिलकर नेबुला को रोकने का प्लान बनाते हैं। यहीं पर एडम वॉर्लॉक थैनोस से कहता है कि उसने इस पूरे यूनिवर्स के अंदर डिस्ट्रक्शन मचा दिया है और अब उसी की वजह से उनकी रियलिटी भी खतरे में है, और फिर इसीलिए थैनोस, जो कि पहले से अपनी गलतियों को समझ चुका था, वो एवेंजर्स का साथ देने का फैसला करता है और उन सभी से कहता है कि वो भी नेबुला को रोकने में उनका साथ देगा। इधर डीप स्पेस के अंदर नेबुला इरोस के साथ खड़ी होती है और वहां पर वो इरोस को बता रही होती है कि उसने ऐसी पावर को कभी फील नहीं किया है। ये ताकत उसके लिए इतनी ज्यादा है कि वो उसे समझ भी नहीं पा रही है, और ये पूरी पावर्स उसकी सोच से भी परे हैं। वो इस टेम्पर यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग है और उसके हाथों में ऐसी ताकत है कि जिससे वो कुछ भी कर सकती है। इसी के आगे नेबुला इरोस से बोलती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि अभी कुछ ही देर में मेरे ऊपर कुछ लोग हमला करने आ रहे हैं, और फिर तभी हम देखते हैं कि नेबुला के सामने एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से हल्क, फायर लॉर्ड, डॉक्टर डूम, ड्रैक्स और थॉर उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं और सीधा नेबुला के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उनकी पावर्स नेबुला के सामने कुछ भी नहीं होती, और इसीलिए नेबुला अपने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को यूज करते हुए उन सभी सुपर हीरोज को पत्थर के अंदर जकड़ लेती है। पर फिर जैसे ही नेबुला उन सबको पत्थर के अंदर बांधती है, वैसे ही उसके पास एक और पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से डॉक्टर स्ट्रेंज, सिल्वर सर्फर, एडम वॉर्लॉक और मैड टाइटन थैनोस बाहर निकलते हैं। थैनोस नेबुला के सामने खड़ा होकर उसे ये ऑफर देता है कि वो उसे इन्फिनिटी गाउंटलेट वापस कर दे, और इसके बदले में थैनोस उसे अपना चीफ कंसल्टेंट बना सकता है। लेकिन थैनोस की बात सुनकर नेबुला इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को यूज करती है, जिस वजह से थैनोस भी वहीं पर पत्थरों के अंदर जकड़ जाता है। पर यहीं पर एडम वॉर्लॉक अपनी पावर्स को यूज करता है और वो नेबुला के सामने से गायब हो जाता है, और इसीलिए वो थैनोस, डॉक्टर स्ट्रेंज और सिल्वर सर्फर को तो दिखता है पर नेबुला उसे नहीं देख पाती। और फिर इस बात का फायदा उठाते हुए एडम वॉर्लॉक नेबुला के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और सही वक्त का इंतजार करने लगता है। यहीं पर थैनोस नेबुला से कहता है, मेरी बच्ची, मुझे तुम पर दया आ रही है क्योंकि तुम तो इन स्टोन्स को अच्छे से यूज तक नहीं कर सकती। पर थैनोस की बात सुनकर नेबुला को गुस्सा आ जाता है और वो थैनोस से कहती है, अच्छा मैं यूज नहीं कर सकती, तो तुमने इसका कौन सा अच्छा यूज किया। पर यह सुनते ही थैनोस कहता है, जरा अपनी नजरें घुमाओ और आसपास देखो, मैंने इस पूरे यूनिवर्स से आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया है। पर यह सुनकर नेबुला कहती है, ये कोई महान काम नहीं था बल्कि ये तुम्हारा पागलपन था, और अच्छा हुआ तुमने इस बात का जिक्र किया क्योंकि बीते एक दिन के अंदर तुमने जो भी कुछ किया है मैं वो सब कुछ ठीक करने जा रही हूँ। और फिर ये बोलते नेबुला अपने हाथ को ऊपर उठाती है और अपने इन्फिनिटी गाउंटलेट से एक स्नैप करती है, जिसके बाद नेबुला के स्नैप की वजह से बीते 24 घंटों के अंदर अब तक जो भी थैनोस ने किया था या फिर जो भी यूनिवर्स के अंदर हुआ था वो सब कुछ पहले की तरह हो जाता है, और पूरा यूनिवर्स जो कि अब बर्बादी के कगार पर आ चुका था वो एक बार फिर से पहले की तरह ठीक हो जाता है। इधर अर्थ पर हम देखते हैं कि सारे सुपर हीरोज जो भी स्नैप की वजह से गायब हो गए थे वो सब एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। सारी दुनियाओं के लोग एक बार फिर से लौट चुके हैं, सारी तबाही ठीक हो चुकी है और हर कोई इस तबाही को भूल चुका है सिवाय कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स के। पर यह सब होने के बाद थैनोस नेबुला को देखकर जोर से हंसता है क्योंकि सब कुछ पहले की तरह करने की वजह से नेबुला खुद भी एक बार पहले की तरह हो चुकी थी, और फिर इसीलिए थैनोस ये देखकर उसके हाथों से उसका गॉन्टलेट निकालने जाता है। पर तभी नेबुला अपनी पावर्स को यूज करती है और एक बार फिर से अपने असली फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर एडम वॉर्लॉक नेबुला के हाथ से उसका गॉन्टलेट निकालने जाता है, पर नेबुला सही टाइम पर एडम वॉर्लॉक को सेंस कर लेती है और वो एडम वॉर्लॉक को दूर फेंक देती है, सिल्वर सर्फर को वहीं जमीन पर गिरा देती है, थैनोस को एक बार फिर से पत्थरों में जकड़ देती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल कास्ट न कर पाए इसीलिए अपने जादू से उनके हाथों को जकड़ लेती है। इन सब के बाद नेबुला को पीछे से कोई आवाज आती है, और फिर नेबुला जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही वो देखती है कि उसके आगे यूनिवर्स के सारे कॉस्मिक एंटिटीज खड़े हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि नेबुला के सब कुछ रिवर्स करने की वजह से सारे कॉस्मिक बींग्स भी अब आजाद हो चुके थे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सिल्वर सर्फर बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन फिर जब उसकी आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि वो एडम वॉर्लॉक के साथ एक बिल्कुल ही अनजान सी जगह पर है। एडम वॉर्लॉक उसे बताता है कि इस वक्त वो दोनों सोल वर्ल्ड के अंदर हैं, वही सोल वर्ल्ड जो दुनिया सोल स्टोन के अंदर है, और जब गमोरा सबसे लड़ाई करने में बिजी थी तब उसी बात का फायदा उठाकर वो सिल्वर सर्फर को अपने साथ लेकर सीधा सोल स्टोन के अंदर चला आया था। आगे एडम वॉर्लॉक उसे बताता है कि ये सोल वर्ल्ड मेरी दुनिया है और मैं इस दुनिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरी पावर ज्यादा अच्छे से काम करती है, और सही बताऊँ तो ये मेरे प्लान का हिस्सा है। मैं इस मौके का काफी देर से इंतजार कर रहा था पर अब आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। इधर सारे कॉस्मिक बींग्स एक साथ मिलकर नेबुला के ऊपर अटैक कर देते हैं, और नेबुला भी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स का यूज करते हुए उनके अटैक का जवाब देने लगती है। इसके बाद एडम वॉर्लॉक सिल्वर सर्फर को सारी बात बताते हुए अपनी जगह पर ही बहुत बड़ा होने लगता है और देखते देखते अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है। वो सिल्वर सर्फर से कहता है कि मैं सोल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूँ और इसीलिए या तो मैं सोल वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं हूँ
या फिर मैं इस सोल वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर हूँ। और फिर ये बोलने के बाद ही एडम वॉरलॉक सोल वर्ल्ड के अंदर मिल जाता है और खुद भी एक कॉस्मिक एंटिटी बन जाता है। और फिर वो सिल्वर सर्फर से कहता है कि अब वो सोल स्टोन के जरिए एक एक करके बाकी सारे स्टोन्स तक भी पहुंच जाएगा। इधर हम नेबुला को देखते हैं जो कि एक एक करके सारे कॉस्मिक एंटिटीज को हराने लगती है। और फिर जब वो सबकी बहुत बुरी हालत कर देती है तब वो सारे कॉस्मिक एंटिटीज को हराकर उन सभी को पत्थर में बदल देती है और अपने आगे उन सबका ढेर लगा देती है। इसके बाद नेबुला के सामने थैनोस होता है और नेबुला थैनोस से कहती है, देखो अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल हूँ और मैं अकेले ही इस पूरे यूनिवर्स की गॉड हूँ। लेकिन नेबुला के सामने खड़ा थैनोस उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर इसके अगले पल एडम वॉरलॉक अपना काम शुरू कर देता है, जिसके बाद ही हम देखते हैं कि नेबुला के हाथ में लगा इन्फिनिटी गॉन्टलेट बहुत जोर से चमकने लगता है और धीरे धीरे करके ओवरलोड होने लगता है, जिस वजह से नेबुला उसे संभाल नहीं पाती है। और फिर इसीलिए नेबुला अपने हाथ से इन्फिनिटी गॉन्टलेट को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद जैसे ही वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट नीचे जमीन पर गिरता है वैसे ही थैनोस अपने आप को आजाद करता है और इन्फिनिटी स्टोन्स को उठाने के लिए बढ़ता है। पर दूसरी तरफ सारे सुपर हीरोज भी उस स्टोन को उठाने के लिए बढ़ते हैं और उन सबके बीच इन्फिनिटी गॉन्टलेट के लिए हड़प मच जाती है। सभी एक दूसरे की टांग पकड़कर, हाथ पकड़कर या फिर सर पकड़कर उन सबको पीछे करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह से वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट उनके हाथ लग जाए। लेकिन फिर तभी वहां पर एक जोरदार रोशनी चमकती है और रोशनी हटते ही हम देखते हैं कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट एडम वॉरलॉक के हाथ में है। और फिर जैसे ही इन्फिनिटी स्टोन से भरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट एडम वॉरलॉक के हाथों में आता है वैसे ही वो उनकी पावर्स को यूज करके सारे कॉस्मिक एंटिटीज को छुड़ाता है और उन सबको एक बार फिर से उनकी जगह पर वापस भेज देता है। यहीं पर थैनोस एडम वॉरलॉक से कहता है कि ये गॉन्टलेट मेरा है क्योंकि इसमें लगा एक एक स्टोन मैंने खुद इकट्ठा किया है। पर यह सुनकर एडम वॉरलॉक थैनोस को जवाब देता है कि तुम इसके लायक नहीं हो और अब से इन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की इन्फिनिट पावर मेरी है, यानी कि एडम वॉरलॉक। इसके बाद सारे सुपर हीरोज शांति से एडम वॉरलॉक को घूरने लगते हैं। लेकिन फिर तभी एडम वॉरलॉक सबसे कहता है कि मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं इन स्टोन्स का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। फिर इसके बाद हल्क और ड्रैक्स मिलकर थैनोस के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो सबसे कहते हैं कि थैनोस ने अब तक जो भी किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए सजा के तौर पर उसे कैद करना जरूरी है। पर फिर ये सुनते ही थैनोस हल्क और ड्रैक्स को धक्का देकर पीछे गिरा देता है और अपने बेल्ट में लगे एक बटन को एक्टिवेट कर देता है। और फिर वो सभी से कहता है कि मेरे बेल्ट के अंदर एक बॉम्ब लगाए जो कि मेरे बटन दबाने के बाद अब 15 सेकंड के अंदर फटने वाला है। लेकिन फिर जैसे ही सिल्वर सर्फर उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है तब थैनोस सबको बताता है कि उसके लिए कैद होने से अच्छा है मर जाना, लेकिन अगर थैनोस मरेगा तो उसके साथ यहाँ खड़ा हर एक आदमी मरेगा। और फिर इसीलिए आगे थैनोस कहता है तैयार हो जाओ अब मेरे साथ मरने के लिए। लेकिन फिर तभी थॉर सामने आता है और वो अपने म्योनिर के अटैक से थैनोस को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद स्पेस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी हीरोज को पता लगता है कि जिस धमाके से थैनोस सबको मारना चाहता था उस धमाके की वजह से अब थैनोस खुद ही मर चुका है। इसके बाद ईरोस सबसे कहता है कि वो नेबुला को अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि अब नेबुला के साथ क्या करना है ये फैसला टाइटन ग्रह लेगा। और फिर इसीलिए एडम वॉरलॉक अपनी पावर्स का यूज करके ईरोस के साथ साथ नेबुला को भी टाइटन ग्रह के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसके बाद एडम वॉरलॉक के सामने सिल्वर सर्फर, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज ही रह जाते हैं। यहीं पर एडम वॉरलॉक उन तीनों से कहता है कि अब से वो सारे स्टोन्स उसी के पास रहेंगे। लेकिन फिर ये सुनकर सिल्वर सर्फर कहता है कि इस ब्रह्मांड की एक सच्चाई है कि पावर किसी को भी करप्ट कर देती है। पर एडम वॉरलॉक उन सबको समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो इन स्टोन्स की हिफाजत कर सकता है और इन स्टोन्स को पाकर जो अब तक थैनोस और नेबुला ने किया वो ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। और फिर इसीलिए वो तीनों ये बात मान जाते हैं और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एडम वॉरलॉक को संभालने की जिम्मेदारी देते हैं, जिसके बाद एडम वॉरलॉक उन तीनों को अपनी अपनी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है और फिर वो खुद भी अपने नए रास्ते पर निकल जाता है। और फिर इसी तरह से इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज का अंत होता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज के फाइनल पार्ट के ऊपर। ये वीडियो और ये पूरी कॉमिक सीरीज आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि अगर आप सभी को मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम वो कॉमिक सीरीज भी जरूर लाएंगे। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स के अंदर मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज कमेंट करना है ताकि हम ये जान पाए कि आप सब मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आप हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की कॉमिक बुक सीरीज देखना चाहते हैं तो हमने कई सारी कॉमिक सीरीज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।